साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस गहरे गड्ढे में गिर गई, टला बड़ा हादसा। रविवार की सुबह अलीगंज दलपतपुर मार्ग पर गांव पदिया नंगला के पास एक बस साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में सड़क के किनारे पानी से भरे तालाब नमुआ गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे के समय बस में करीब 60 लोग सवार थे, जिसमें करीब 40 लोगों को चोट आई है। जानकारी के अनुसार थाना भगतपुर क्षेत्र के ग्राम मंगवाला से एक बस रोजाना सुबह मजदूरों को लेकर उत्तराखंड के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के महुआ खेड़ा गंज स्थित फ्लैक्सी टफ इंटरनेशनल कंपनी को जाती है। रविवार को भी रोजाना की तरह बस मजदूरों को लेकर फ्लैक्सी टफ कंपनी जा रही थी। सुबह करीब 8 बजे ये बस जैसे ही अलीगंज दलपतपुर मार्ग पर गांव पदिया नंगला के पास पहुंची, तभी बस के सामने साइकिल सवार आ गया। साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे पानी से भरे तालाब नमुआ गहरे गड्ढे में गिर गई। बस के गिरते ही उसमें सभी सवार मजदूर चीख पुकारने लगे। चीख की आवाज़ सुनकर गांव के लोग घटनास्थल पर दौड़े और सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान करीब 40 लोगों को मामूली चोट आई है।